सारे भाइयों ने राम राम। मैं उधारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। फिलहाल भाई पानीपत के रेलवे स्टेशन पर खड़े है और आप तो बहुत बड़ी खबर आज बता दूं। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि एक जो ट्रेन है उसके डिब्बे, जी हाँ, पटरी से नीचे उतर गए। यह लाइव तस्वीर में आप ट्रेन देख लग रहे हो। कच्चा तेल इसमें है, जी हाँ, कच्चा तेल इसमें है। और बता दूं मैं आपने कि पानीपत फिलहाल यह खड़ी है रेलवे स्टेशन पर और याड़ा इसके जो पटरी तय उतर गई है। देख सको श्याम स्क्रीन पर आपने दिखा लग रही हो। अगर मैं बता दूं बोड़ी तय गुजरात के लिए यह निकली थी। जी हाँ, बोड़ी तय गुजरात खातर यह जाल लग रही थी और पानीपत में देख सको आप किस तरह इसके जो पहिए हैं वो पटरी तक कितनी दूर उतर गए हैं। जो एक पहिया नूला मैं आपने दिखा दूं, देख सको जो दूसरा पहिया है वो उरली पटरी पर इसका पहिया आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं स्पीड की अगर बात करी जाए तो ज़्यादा स्पीड है गाड़ी की होगी। और लोड, जी हाँ, लोड है गाड़ी अभी तक जो सूचना हमने मिली है। और बता दूँ आप तक लगभग 5-5:30 बजे के आसपास की जो बताई जा रही है कि भैया नीचे उतर गई थी। ये लाइव तस्वीर देख रहे हो भाई आप संसार क्रांति के माध्यम से। तो जितने भी लोग इस खबर ने देख रहे हो भाई, सारे अपील है खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत बड़ी खबर है पानीपत में और इसका जो है काम फिलहाल चल लग रहा है। किसने ठहर कर नरनू लेकर ना पटड़ी पर इसने रख दिया जावे। जी हाँ, लाइव तस्वीर आप देख रहे हो ये। तो भाई जितने भी लोग खबर ने देख रहे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और फिलहाल जो रेलवे के कर्मचारी है वो याड़ा पहुँच रहे हैं और फिलहाल तो भाई देख सको भाई जुगाड़ बाजी कुछ करी है। और पीछे भी मैं आपको दिखा दूँ, पीछे भी चेक कर लग रही है भाई क्यों कर यो हादसा होया है। अभी तक पता नहीं लग पाया है कि यो हादसा होया क्यों कर है। जी हाँ, पीछे की भी तस्वीर दिखा दूँ मैं आपने। सारी की सारी जो चेकिंग करी जा लग रही है कि भैया उतरी तो उतरी क्यों कर, किंग है कमी थी किंग है के थी, सारी जगह तक इसकी जो है चेकिंग हो लग रही है। देख सको भाई शाम आप स्क्रीन पर देख लग रहे हो जो टीम है रेलवे की वो लगातार जुटी ओढ़ है भाई चेक कराया जावा कि भाई वो जो नीचे उतरे है जो क्यूकर उतरे है। बहुत बड़ी खबर है भाई। तो देख सको लो भाई यहाँ से जो है डाउट कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई याड़े तो उतर सका है। घसीट की भी अगर बात करी जावे तो घसीट भी लग रही है। देख सको भाई लगातार जो है चेक किया जा रहा है भाई किंगे तक ये गड़बड़ हुई है और सारी की सारी जगह पर चेकिंग करी जा लग रही है। दिखा दूं मैं आपने, काफी लंबी यह ट्रेन है बोड़ी तय गुजरात खातर यह जाल लग रही थी और कच्चा तेल इसमें है। तो भी जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे सारा अपील है बार बार खबर ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो। खाली है भाई, अच्छा एक बार बताओगे कि ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? बहुत नहीं देंगे आप हमारे से अभी काम करने दीजिए। अब आरपी गुप्ता प्लीज नहीं ये बता दीजिए किस टाइम हादसा हुआ और कहाँ से कहाँ जा रही थी? 17:30 पे बोली से करसिया। तो भाई देख सको भाई खाली बता रहे हैं कि भी खाली थी और चेकिंग इसकी जो है सारे को पटड़िया ने चेक कर लग रहे हैं भाई किंगे तक ये कुछ गड़बड़ हुई है कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई है किंगे तो हुई है क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता था। तो भाई आगे की भी तस्वीर हम आपने दिखा दे लेकिन सूचना आई है कि भाई गाड़ी खाली है। जी हाँ, शुरुआत में हमने आपको बताई थी कि भाई गाड़ी भरी ओड है। सूचना की जो बात करी जावा कुछ बंदे थे जो बता रहे थे भाई भर रही है लेकिन अभी जो भाई सूचना मिली है सूचना दी है आपने सुना कि भाई गाड़ी जो है खाली है। तो लाइव तस्वीर आप देख रहे हो भाई संसार क्रांति के माध्यम से। तो जितने भी लोग इस खबर ने देख रहे सारे अपील है इस खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो।
तो भाई जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे सारे अपील है इस खबर ने आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। पानीपत के रेलवे स्टेशन तक आप लाइव देख रहे हो, बोली थे गुजरात जो है गाड़ी जाल लग रही थी और सूचना जो मिली है जो हमने आप तक भी दिखाया है लाइव में, उन्होंने बोला अभी गाड़ी खाली है। जी हाँ, फिर भी देख सको आप कितना वजन इसमें है कि वजह रही है, क्योंकि वजह अब तक किसी भी अधिकारी ने नहीं बताया वजह के रही है। अभी तक कोई अधिकारिक बयान इस पर नहीं बोलिया है भाई किसी ने भी कि भाई कोई कारण की अगर बात करी जाए तो पता नहीं लग गया, लेकिन चेकिंग की अगर बात करी जावे तो जो रेलवे की जो टीम है वो लगातार चेक कर लग रही है कि आखिर ये हादसा हो या तो होया क्यों कर। तो भाई कर दो इस खबर ने शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।